नमस्कार, जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिबी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला रायसेन तहसील उदयपुर अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार की चरम सीमाएं अधिकारी और सरपंच सचिव ने पार कर ली। ग्राम पंचायत केगड़ा में जहां प्रधानमंत्री मोदी स्वच्छ भारत अभियान चला रहे, वहीं ग्राम पंचायत केगड़ा में कीचड़ और पानी से बच्चों को स्कूल के हर दिन जाना पड़ता। ये अधिकारियों से इसके विषय में बात की गई तो हमारे SDM साहब ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि हम इस जानकारी को लेते हैं और अधिकारियों को कार्रवाई करने के आदेश देते हैं। फिर भी ग्रामीण तहसीलदार, SDM साहब, जनपद CO और सबके चक्कर लगा चुके हैं, फिर भी उनकी सुनवाई करने वाला अब तक कोई नहीं। आखिर अब गांव वाले जाएं तो जाएं कहां? क्या यही स्वच्छता सर्वेक्षण हमारे भारत में हो पाएगा? आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि बच्चे और गांव के बड़े बुजुर्ग किन हालतों में इस गांव में रह रहे होंगे। फिर भी अभी तक ना कोई अधिकारी, ना कोई जिम्मेदार नागरिक इनकी सुध लेने के लिए आया, ना अभी तक कोई कार्रवाई की गई। हम गिर जाते हैं तो हमारे बस्ता वगैरह खट जाता है। तो आपके यहां के सरपंच सचिव से आप लोगों ने बोला था कि नहीं? बोला था। क्या बोल रहे थे वो लोग? वो कह रहे थे करवा देंगे। करवा देंगे तो अभी तक नहीं करवाया? नहीं। तो आप लोगों को बहुत दिक्कत होती है आने जाने में? हर दिन यहीं से निकलती हूँ इसी हाँ। रास्ते से देख ले अपने कितनी परेशानी हो रही बालकों को और हमको समस्या। तो आप लोगों ने पंचायत में कितनी बार आवेदन दे चुके हैं? सर जी कम से कम 20-25 बार तो दे चुके, आवेदन भी दिया और सब काम किया हमने, मन सुनता ही नहीं की। और आपने ऊपर भी की जैसे तहसीलदार, तो उन लोगों ने क्या बोला? वो कहते थे करेंगे, मन नहीं कर पा रहा है सर। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपके जो दोनों सचिव थे उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया है पंचायत से, तो इस पंचायत अभी इसका तो क्या बताएं, हम तो गरीब लोग हैं सर जी, अब कौन। तो मतलब आप लोग गरीब लोग इसलिए आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही? अगर कोई अगर यहाँ पर अच्छा बड़ा लोग होता उसकी सुनवाई जल्दी हो जाती, तो आप लोगों के साथ शोषण कर रही पंचायत। तो क्या आपके रास्ते खराब है जी? अब जा साल भर से ज्यादा ही होगा, जब ये पानी टंकी का ये बहरिया जब से गड़बड़ है सर। तो इसकी आपने सूचना पंचायत को कितनी बार दे चुके? लगभग कम से कम 20-25 बार दे चुके। तो कोई व्यवस्था अभी तक कोई नहीं है? नहीं जी, कोई नहीं व्यवस्था नहीं कर। देवरी से दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट।